हेलो कैप्टन्स, लेके आया हूँ तीन इंपॉर्टेंट न्यूज। बट उससे भी बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मैंने यहाँ पे रोक के रखा है, एंड दैट्स द ट्रूथ। और वो मैं सरप्राइज आपको जरूर बताऊंगा। सो विदाउट डाउट गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ट्रांसफर प्लान। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का ट्रांसफर प्लान, लेट्स कवर इट। वो है, पिछले कुछ दिनों से हमें ये पूछा जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मार्केट में क्या करने वाली है। जितना मुझे पता चला है, कैन बी ट्रू कैन बी रॉन्ग, क्योंकि ये टोटली रूमर है, बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आर लुकिंग फॉर अ लोन डील। बेसिकली एक लोन डील की तरफ वो झुक रहे हैं, एंड दे वॉन्ट अ डोमेस्टिक साइनिंग एज वेल। सो दो प्लेयर्स शायद आ सकते हैं, बट अगेन That can also be a one player who can be a domestic player on loan. But जितना मुझे पता चला है, एक player North East United FC Indian लेने की कोशिश कर रहे हैं midfield के लिए, क्योंकि forward में उनके पास players है, defense में उनके पास right now जितने players होने चाहिए उतने हैं, और हमजा डेगराडुई और मिचेल जबाको के बाद they don't want any Indian players there. But midfield में एक experienced Indian players की खोज अभी भी North East United FC के लिए चल रही है। दिस इज द न्यूज विच इज मेकिंग राउंड्स। कितना सच है, कितना झूठ है, कितना गलत है, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट जितना मुझे अपडेट आया मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे ये कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर आप लोग ठीक ठाक से देख लो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए पिछले कुछ दिनों में ये चीज बार 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 सामने आ रही थी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फॉरवर्ड और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डिफेंस जो है They are pretty good, but North East United FC के midfield में they want more experience. क्योंकि आप McCartan की बात करो, he is a very young guy, so उसका form ऊपर नीचे होता रहेगा. Ganini Gum, again an interesting player, but again a bit inconsistent, so उनका भी यही चीज होगा. So other than that, Mohammad Ali Bimamir बहुत अच्छा football खेल रहे हैं. Konsam Phalguni Singh season जितना strongly शुरू किया, उतना ज्यादा strong football वो अब नहीं खेल पा रहे. So और एक midfielder की जरूरत North East United FC को जरूर है. So this is something that North East United FC absolutely wants without a doubt. Or solution kya hai? A very important thing. So North East United FC are looking for a solution in the Indian field. Kaun ho sakte hai options? Main do naam yahan pe bataunga. Baad mein ek pura show bhi banaunga iske upar. But right now I will just say two names. Jo mujhe lagta hai kaam mein aane wala hai. Number one jo hai, wo hai Sahil Tavora. क्योंकि राइट नाउ अगर आप मार्केट में देखो, साहिल तपोरा इज द ओनली एक्सपीरियंस मिडफील्ड ऑप्शन जो उनके टीम को एक बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस दे सकते हैं। और दूसरा नाम जो अगर डोमेस्टिक मार्केट से आप पूछो, दैट नेम विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगेन वो होंगे पंजाब से, वो है अमरजीत सिंह कियाम। थोड़ा बहुत डिफेंस का काम कर लेते हैं, बट मिडफील्ड का काम भी होगा, और दोनों को ही आप लोन डील में ले आ सकते हो अपने क्लब में, या टोटल ट्रांसफर में भी ले सकते हो। सो दिस इज द टू नेम्स आई थिंक द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शुड गो फॉर, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक मिडफील्डर की खोज में है। बट क्या होगा वो नाम, और क्या वो ये ट्रांसफर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के चाहने से कुछ नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट को मार्केट में जाके डील खरीदना भी पड़ेगा, प्लेयर खरीदना भी पड़ेगा, और दूसरे टीम को उन प्लेयर को सेल भी करना पड़ेगा। सो कैन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बाय, और अगर ISL से किसी एक को नहीं ले पाते, विल दे गो एंड बाय फ्रॉम द आई लीग एज वेल। सो इन सबके सोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले ही जानते होंगे, बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी हार्ड टू टेल भाई। तो थोड़े बहुत कमेंट्स ले लेते हैं भाई। इस साना पॉसिबल टू ईबीएफसी, इसके बाद का न्यूज मैं यही कवर करूंगा। हाई ब्रो एनएफसी का फ्यूचर कैसा होगा थोड़ा बताओ। जैसे आपने केरला ब्लास्टर्स के साथ देखा, वही फ्यूचर है भाई। एआईएफएफ हेड कोच इगो स्टीमाच एंड एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे नॉट इन टॉकिंग टर्म्स भाई। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक रिप्यूटेड यूट्यूब चैनल से इसके बारे में बात नहीं कर सकते अप एंड अंटिल आपके पास कोई न्यूज हो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट। क्योंकि मैं नहीं बात कर सकता कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। मेरे हिसाब से रोमेन को रिलीज करके नया प्लेयर ले आना चाहिए भाई। सच बात तो ये कहूं कि टीम जितने अच्छे फॉर्म में है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रोमेन को छोड़ने वाली है भाई। एनएफसी को गोलकीपर चाहिए, आई नो एनएफसी को गोलकीपर चाहिए एज ऑफ राइट नाउ, बट कौन है मार्केट में अवेलेबल वो भी हमें देखना होगा। नोंगम्बा और सेम्बा ये दोनों जीएफसी की तरफ से खेलते हैं अगेंस्ट में। देखो भाई यंग प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल नोंगम्बा इज यंग एंड एज फॉर सेम्बा इज इनकंसिस्टेंट। सो आप जितना भी दोनों को गाली दे सकते हो, बट एज ऑफ राइट नाउ बहुत बहुत मुश्किल है। सो अच्छा गोलकीपर चाहिए एनएफसी को, एब्सोल्युटली। न्यू इंडियन प्लेयर्स एनएफसी में आएंगे ना,
आना तो चाहिए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड उनके साथ लिंक भी है, बट वी विल सी कि कौन आते हैं, वो नाम कौन होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू, क्योंकि बारानगर ईस्ट बंगाल फैंस इज टॉकिंग अबाउट आज जीत गए, यस यू गाइस हैव वॉन, वो भी आज हम कवर करेंगे, बट नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टॉकिंग पॉइंट नंबर टू, जिसमें आपका डील भी कवर हो जाएगा, वो है निखिल पुजारी और सना सिंह का डील। नॉर्थ ईस्ट फैंस जो देख रहे हो, यू कैन गेट हाइप्ड एज वेल, क्योंकि हमें जितना पता चल रहा है कि हैदराबाद सेकेंड हाफ में सीजन में पूरा ऑल इंडियन लाइनअप लेके खेलेंगे। जो टीम बेसिकली खेल रही थी कहां पे, जो टीम खेल रही थी हैदराबाद एफसी के लिए इन द डूरन कप एज डूरन नहीं सॉरी सुपर कप एज वेल। सो जितना मुझे पता चला है कि अगर अगर पॉसिबल है प्लेयर्स लाइक निखिल पुजारी, प्लेयर्स लाइक देखो मोहम्मद यासिन लोन में चला गया है, निखिल पुजारी, साहिल तबोरा और उसके अलावा आपके अगर देखो हितेश शर्मा, तीनों ही ऑन लोन मार्केट में आ सकते हैं। एज ऑफ राइट नाउ जितना मुझे पता चल रहा है, निखिल पुजारी इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू ईस्ट बंगाल। सो ईस्ट बंगाल के फाइट में निखिल पुजारी बहुत आगे है, बट अभी भी नॉर्थ ईस्ट के पास चांस है टू गो एंड मेक अ मूव विद द बॉन्ड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ सबसे ज्यादा टाइम तक निखिल पुजारी लिंक्ड थे। अब नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं जा रही आई डोंट नो, बट ईस्ट बंगाल एज ऑफ राइट नाउ आर लीडिंग द रेस फॉर निखिल पुजारी, और ईस्ट बंगाल मोस्ट प्रोबेबली शायद निखिल पुजारी को अपने टीम में ले सकते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, वेदर यू आर अ नॉर्थ ईस्ट फैन, गोवा फैन, मोहन बगान फैन, ईस्ट बंगाल फैन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एक दिन हम न्यूज लाते हैं। द सेकेंड नेम जो है साहिल तबोरा, जो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को लोन में ले आना चाहिए अपने क्लब में, क्या वो आ सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट बिग न्यूज। आंसर है कि यस ही इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, बट क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से मूव करेगी। एज फॉर हितेश शर्मा, ईस्ट बंगाल आर अगेन इन द रेस फॉर साइनिंग हितेश शर्मा, एक ग्रेट टैलेंटेड बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। सो कार्लेस क्वाद्रात अपने मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट नाम्स उनके लिए हितेश शर्मा बन सकते हैं। हितेश शर्मा एक नाम हो सकता है, दूसरा मार्केट में जाके वो शायद खरीदने की कोशिश करेंगे। निखिल पुजारी और हितेश शर्मा आर ऑलमोस्ट डन डील फॉर ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल दोनों के पीछे भाग रही है। एंड एज फॉर द फोर्थ नेम जिसके बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे हो, चौथा नेम वो है नॉट अदर देन चिंगलिंग साना सिंह, और चिंगलिंग साना सिंह का ईस्ट बंगाल में मूव अभी भी कंफर्म नहीं है। ईस्ट बंगाल आर इन द फाइट, बट ईस्ट बंगाल के अलावा भी मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी एंड अनदर वन अननेम्ड, अननेम्ड कोई नहीं जानता वो कौन सा क्लब है, वन अननेम्ड क्लब इज ऑल्सो लिंक फॉर चिंगलिंग साना सिंह। सो चार क्लब्स बेसिकली फाइट करे, एक का नाम तो मैं नहीं जानता, बेंगलुरु, मोहन बगान एंड एज वेल एज ईस्ट बंगाल, फोर ऑफ देम आर फाइटिंग फॉर सना सिंह। सना सिंह के ट्रांसफर में चारों ही क्लब्स अपना ऑफर सना को पेश करेगी। सना सिंह खुद गेम टाइम की खोज कर रहे हैं, सो जो भी टीम उनको गेम टाइम बिलीवेबल या एब्सोल्युटली गेम टाइम दे पाएगी, सिर्फ उसी क्लब में सना सिंह के जाने के चांसेस बहुत हाई है। सो एज ऑफ राइट नाउ अगर गेम टाइम के बारे में देखू, मोस्ट प्रोबेबली बेंगलुरु और मोहन बगान उनको अनवर अली के एज अ बैकअप की तरह पे लोन में लेना चाहते हैं। सो विल इट बी अ टू और फोर्थ अननेम्ड क्लब कौन होगा, इज इट एफसी गोवा, इज इट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, हमें नहीं पता, कैन बी एनी वन, बट अगेन अगर नॉर्थ ईस्ट उनको खरीदती है, नॉर्थ ईस्ट की डिफेंस जरूर स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड ही इज अ लोकल लैड, उनके लिए भी अच्छा डील है। एंड इफ फॉर एफसी गोवा, चिंगलिंग साना सिंह वाज वंस एन एफसी गोवा प्लेयर, और सबसे बड़ी बात है एफसी गोवा विल गेट अ बैकअप फॉर संदेश झिंगन, अगर संदेश झिंगन सर को इंजरी हो जाती है, मे बी चिंगलिंग साना सिंह कैन प्ले द रोल, क्योंकि वो एक इंडियन नेशनल टीम के रेकनिंग में कुछ साल पहले भी थे, एंड ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस एंड अ गुड बॉल प्लेइंग डिफेंडर एज ऑफ राइट नाउ एज वेल। सो कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स ले लेते हैं भाई। मुंबई इज क्लोजिंग अ बिग शॉकिंग डील, व्हाट एम आई हियरिंग, भाई कुछ भी हो सकता है, मे बी ये आउटगोइंग भी हो सकता है। देखो भाई अगर राहुल भेगे का न्यूज सच होता है कि राहुल भेगे बेंगलुरु जा रहे हैं, देन श्योरली मुंबई मार्केट में जाके हॉर्नबिल से शुरू करके चिंगलिंग साना किसी एक को लाने की जरूर कोशिश करेंगे, शायद साहिल तबोरा के डील में भी वो है। सो बिग शॉकिंग डील हुगो बुमू भी हो सकता है, वी डोंट नो हु लीड सना डील। बारानगर ईस्ट बंगाल फैन बहुत मुश्किल है ये बोलना who is leading the Sana deal, क्योंकि मोहन बगान was there in the fight, Bengaluru was in the fight from the summer. Summer से Bengaluru इस deal की कोशिश कर रहे हैं, and अगर Bengaluru ना हो, then मोहन बगान is the second team who is fighting for the longest time. East Bengal are the current team जिन्होंने just join किया है, और fourth team कौन है वो मैं नहीं जानता, I can't tell, can be FC Goa, can be Chennai, can be North East, कोई भी हो सकता है, but again there is a fourth unnamed club. Unnamed club is Chennai according to Rachit, so Rachit can be, क्योंकि मुझे नहीं पता, I don't know. So I won't hear act कि मुझे पता है। It's an incoming deal for Mumbai. Maybe someone a big name, maybe Nasir Al Khayat के जगह में शायद Hugo Bumu या किसी तरह के प्लेयर को। Mumbai versus Orissa, that will be a cracker of a match. मुझे लगता है Mumbai versus Orissa के मैच में
द टीम विच इज फेवरेट एज ऑफ राइट नाउ ओडिशा, ओडिशा द फेवरेट, बट मुंबई जीत सकती है। पीटर केटकी इज ए ब्रिलियंट कोच और उन्हें अपने यूथ साइड को बहुत अच्छा चांस दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सो गेम टाइम चाहिए एनईएफसी, आ जाओ एब्सोल्युटली गेम टाइम आ जाए तो एनईएफसी चाह जाओ। इज हितेश ऑलमोस्ट डन डील? यस, हितेश, सना, निखिल, ऑल ऑफ देम विल गो आउट ऑन लोन। निखिल पुजारी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है ईस्ट बंगाल में, हितेश भी ऑलमोस्ट कंफर्म है, बट एज फॉर सना मोस्ट प्रोबेबली मोहन बगान एंड बेंगलुरु एंड ईस्ट बंगाल, फोर ऑफ देम आर फाइनिंग। पार्थिव इज कमिंग, एब्सोल्युटली पार्थिव इज कमिंग टू आर्म बैंड, आप लोग तो जानते ही हो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन द कम्युनिटी डील एज वेल। सो गाइज प्लीज, होपफुली आपको वो पार्थिव का वीडियो अच्छा लगेगा, ही हैज टॉक टू अशोक। और सबसे अच्छी बात जो मुझे पार्थिव के बारे में लगी है, पार्थिव एक्चुअली वॉच्ड आर शो, पार्थिव हमारा शो देखते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई लाइक फ्रॉम द वीडियो एज वेल। सो इज हितेश डील ऑलमोस्ट डन? ये तो मैंने बोल चुका हूँ। मोहिनी बर्गर फॉर यू माई ब्रो, भाई मोहिनी बर्गर भी बोलो, जो भी बोलो भाई, उसी से काम चलाना पड़ेगा। और आज तो मैं वैसे ही कोपिंग मैकेनिज्म से जूझ रहा हूँ क्योंकि ईस्ट बंगाल जीत गई है, सो मुझे कोप करना पड़ रहा है राइट नाउ। सो आई एम कोपिंग एंड सीदिंग एज ऑफ राइट नाउ, बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। देखो भाई, मोहन बगान फैन हूँ तो आज तो थोड़ा दुख तो होगा ही ओपोनेंट को इतना अच्छा खेलते हुए देखते हुए, बट अगेन एज ऑफ राइट नाउ सना को साइन करेंगे, कौन साइन करेगा एज ऑफ राइट नाउ बोलना बहुत मुश्किल है भाई। मोहम्मद नवाज बेंच में क्यों बैठना पसंद कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मे बी द ऑफर, मे बी द सैलरी इज मोर, सिंपल एज दैट। धीरज कहाँ जाएगा ब्रो? धीरज कहीं नहीं जाएगा, धीरज इज ऑलरेडी सेड। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे, दैट इज ईस्ट बंगाल इन फाइनल। जमशेदपुर को ईस्ट बंगाल ने आज पछाड़ दिया है और ईस्ट बंगाल क्वालिफाई कर चुका है फाइनल में, जिसके बारे में बात कर रहा था। ये वीडियो मैं जितना हो सके न्यूट्रली करने की कोशिश करूंगा। एंड फर्स्ट ऑफ, हिजाजी माहेर इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर। हिजाजी माहेर इज एब्सोल्यूटली डोमिनेटिंग प्लेयर और उन्होंने आज डिफेंस को बहुत हद तक रोका है। मे बी आप अपने ऑपोजिशन प्लेयर को ज्यादा तारीफ नहीं करते, बट भाई दो प्लेयर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे इस लीग के, अगर मैं टॉप थ्री फॉरेन डिफेंडर्स के बारे में बात करूं, भाई मेरे नाम में तो तीन ही नाम आ रहा है, मुर्तदा फॉल, उसके बाद मिचेल जबाको, और उसके बाद तो भाई थर्ड नाम यही बंदा होने वाला है, दैट इज विदाउट अ डाउट यह है हिजाजी माहिर, एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। लोग बोलेंगे कि रॉस्टन ग्रिफिथ्स का नाम लो, लोग बोलेंगे कि भाई यूस्टे का नाम लो, बट भाई इन तीन लोगों के सामने ये सब बाकी फीके पड़ रहे हैं, बट विदाउट अ डाउट हिजाजी माहिर विल बी इन माई टॉप थ्री एंड वॉट अ प्लेयर। एंड एज फॉर ईस्ट बंगाल एज वेल, मिडफील्ड में आज उन्होंने बहुत ज्यादा कंपोजर दिखाया। हाँ जानता हूं ऑन पेपर जमशेदपुर ईस्ट बंगाल दोनों ही ऑलमोस्ट सेम पोजिशन में है लीग में, बट अगेन मैं बोलता हूँ ईस्ट बंगाल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर था, आज उन्होंने उसका प्रूफ दिया कि वाई एक्सपीरियंस डज मैटर, और उनके लिए सारे प्लेयर्स ने अच्छा फुटबॉल खेला और ईस्ट बंगाल के 6 फॉरेनर्स, दिस इज अ लर्निंग फॉर टीम्स जो बड़े नाम के फॉरेनर्स के पीछे दौड़ रहे थे, फॉर लाइक मोहन बगान, लाइक जमशेदपुर, कि अगर आपके पास 6 ऐसे फॉरेनर्स हो जो बेसिकली बेसिकली इन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल फुटबॉल खेल रहे हो करेंटली, बहुत दिन पहले फुटबॉल खेला है, बहुत दिनों से फुटबॉल नहीं खेला तो उसके बाद मैंने ट्रांसफर से ले आया, बहुत बड़ा नाम है, उससे अच्छा आप ISL प्रूवन 6 फॉरेनर्स को ले लो। मे नॉट बी क्वालिटी वाइज वो शायद आपको एलानो ब्लूमर या लुइस गार्सिया जैसा फुटबॉल ना खेले, बट अगेन दे विल प्ले गुड फुटबॉल, क्योंकि मोहन बगान और जमशेदपुर को देखो, दे गॉन ऑन फॉर बिग नेम्स एंड बोथ ऑफ द टीम्स आर फाल्टरिंग, बट अगेन जमशेदपुर ने आज भी फाइट दिखाया और जमशेदपुर की टीम ने आज भी अच्छा फुटबॉल खेला है। बहुत लोग ये मानना नहीं चाहते कि जमशेदपुर अंडर खालिद जामिल विल बी अ मेनेसिंग साइड इन द ISL एज वेल। सो ISL में तीन साइड्स जो सेकंड लेग में बहुत डेंजरस होने वाले हैं, वो है जमशेदपुर FC, बहुत डेंजरस साइड होंगे वो। दूसरी एक साइड जो बहुत डेंजरस हो सकती है अपार्ट फ्रॉम जमशेदपुर FC, वो और कोई नहीं है, ईस्ट बंगाल है। एंड थर्ड विदाउट अ डाउट विल बी ओडिशा FC, हु विल बी रिपिंग अप द पिच, क्योंकि बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड ऑल्सो FC गोवा और मुंबई, मोहन बगान, उनके सब प्लेयर्स जब लौट आएंगे, थ्री ऑफ द टीम्स विल एक्चुअली गेट स्ट्रेंथेंड एज वेल, क्योंकि मोहन बगान, गोवा, मुंबई, इन तीन के प्लेयर्स बेसिकली खेल रहे हैं, स्पेशली मोहन बगान एंड मुंबई, 7 + 6 13 प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम एज वेल। और नेशनल टीम के बारे में जितना कम बात करूं मेरे लिए उतना ही अच्छा है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द नेशनल टीम एज ऑफ राइट नाउ। आई लव देम, बट समटाइम्स सेपरेशन इज गुड फॉर लव एज वेल। सो भाई भाई पैसा कुछ नहीं होता समझ जाओ, मोहम्मद नवाज भाई भाई दे आर भाई ये बोलना मुश्किल है भाई। फॉर अ प्लेयर इट इज हिज जॉब, और जॉब जहां पे ज्यादा पैसा देगा वहां पे जाएगा बंदा, बट अगेन मुझे लगता है इफ ही गोज ऑन टू प्ले फॉर सम अदर क्लब एज वेल, इट शुड बी अ ग्रेट डील।
भाई पंजाब एफसी बेटर देन फिनिश्ड बर्गर्स भाई, ये संजीव गोयनका को जाके बोलो ना, संजीव गोयनका को कुछ शर्म फरम आए इसको देख के, और कुछ प्लेयर्स प्लेयर्स खरीदे इसके बाद, मुझे बोल के क्या ही फायदा, मैं क्या ही कर लूंगा। संदेश का अपडेट ब्रो, देखो भाई कितना ज्यादा इंजरी हुई है, कैसे बोलू ब्रो, क्योंकि ये तो सिर्फ फिजियो, इंडिया टीम का फिजियो ही बोल पाएगा। विच टीम इज मोर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर मार्केट, भाई देखो भाई इस ट्रांसफर मार्केट में तो अब तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सबसे ज्यादा एक्टिव है मार्केट में, दे आर द मोस्ट एक्टिव टीम। बेंगलुरु ने ट्रांसफर्स किए हैं, सो वी विल हैव टू सी, क्योंकि ये देखो आज 24 तारीख है और 31 तारीख के बीच में इन 7 दिनों में बहुत सारे ट्रांसफर्स होने वाले हैं, मे बी मोर देन 2 और 3, ऐसा भी होगा कि एक एक दिन में 2 या 3 ट्रांसफर्स होंगे, सो आई विल हैव टू कवर ऑल ऑफ देम। सो यस देयर विल बी एवरीथिंग। एलसिनियो हैज बीन टॉप क्लास एज जबाको, बट देखो भाई एलसिनियो हैज बीन टॉप क्लास, ये मैं डिनाई नहीं करता एंड आई प्रेज एलसिनियो, बट मेरा एक एजेंडा है, एजेंडा, एंड इट्स अ वेरी बैड एजेंडा। मेरे लिए एलसिनियो एक सीडीएम ही है, इसको जमशेदपुर वाले जानबूझ के सीबी खिला रहे हैं, एंड इट इरिटेट्स मी द हेल आउट ऑफ मी। और इसके बाद भी जमशेदपुर वालों ने एक फॉरेनर नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने एक सेंटर बैक नहीं खरीदा, बट दे हैवन गॉन फॉर इट। मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा एजेंडा है, मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बुला बुला सकता मुझे, आई आई विल नॉट कंसिडर हिम एज अ सीबी। भाई मोहम्मद नवाज प्लीज कम टू एमएफसी, मोहम्मद नवाज से भी ज्यादा मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नीड्स अ वर्किंग गोली, मे बी कोई फर्स्ट टीम का गोलकीपर आप देख सकते हो। आईएसएल स्टार्ट डेट 3 फरवरी, जितना मुझे पता चला है विल स्टार्ट विद द ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान मैच, जो पोस्टपोन हो गया था सना टू ईस्ट बंगाल। यस दे आर वन ऑफ द क्लब्स दैट आर लिंक्ड, ओडिशा एंड गोवा आर कंटेंडर्स फॉर द लीग शील्ड। एब्सोल्युटली मैं मुंबई को भी ज्यादा पीछे नहीं छोड़ूंगा, अगर मुंबई अच्छा फॉर्म सेकेंड हाफ मेंटेन कर पाती है। मैं एक सच बात बोलू, बहुत लोग मुंबई और मोहन बगान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोहन बगान का मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ कि मोहन बगान की टीम ने अंडर परफॉर्म किया है, बट मुंबई फॉर दैट सेंस, अगर मुंबई 7 या 8 मैच कॉन्स्टेंटली जीत पाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ गोवा का टीम का हाल मैंने जो देखा है, अगर गोवा एक सीएएम नहीं खरीदती, गोवा सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, एक दो नहीं भारी भरकम पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। एंड दिस इज आई एम सेइंग, भाई बहुत सारे गोवा फैंस है हमारे चैनल में, डोंट टेक इट हार्शली, बट गोवा को एएमएफ की जरूरत है। इन दैट केस ओडिशा मुंबई, और अगर सेकेंड हाफ में मोहन बगान भी कुछ कर पाती है, 3 of them are in the fight for the league shield as well। लीग शील्ड का फाइट को इतने तरीके क्लोज मत करो, क्योंकि गोवा की टीम मुझे राइट नाउ वो वाली गोवा नहीं लग रही, इवन आफ्टर संदेश जिंगन्स कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एज वेल, इस टीम के पास क्रिएटिविटी इश्यूज है, जेन्युइन जेन्युइन क्रिएटिविटी इश्यूज। ब्रो इज टॉमी ज्यूरिच गुड फॉर एनएफसी, भाई पे पूरा वीडियो बनाया है प्रज्ञा मैंने, एंड आई से दिस टू अगेन, बट इट विल बी वेरी गुड होपफुली, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ वर्ल्ड कप ऑफ भाई, बट अगेन जेसन कमिंग्स भी था और दिमित्री पेत्रोतोस भी था, ही कैन गो एनी वे, ही इज अ गुड प्लेयर। भाई तुम्हें बंगाली, यस आई एम अ बंगाली भाई, आई एम अ बंगाली भाई, शोभनिक शाह, सो यस आई एम अ बंगाली। एलसिनियो एज अ स्ट्राइकर, किसी भी जगह में खिला लो, बंदा हमारा एक नाम वो है, नहीं बोलूंगा, वो बंदा भी वर्सेटाइल है, किसी और दुनिया से पेश आता है, एलसिनियो भी इस लीग का वही बंदा है भाई। धीरज का मुंबई सी, धीरज और मोहम्मद नवाज नॉर्थ ईस्ट का, फिर भी अपना होम के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, कैसे है यार भाई, ये बुरा नहीं लगता, इट्स देखो भाई फॉर देम इट्स अ प्रोफेशन, फॉर यू गाइस देखो, आपके पास अगर एक जॉब हो अपने कोलकाता में, मेरे पास एक जॉब हो कोलकाता में और एक हो बेंगलोर में, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मनी वहां पे ऑफर किया जा रहा है, मैं क्या करूंगा, आई हैव टू गो एंड वर्क देयर, क्योंकि उनको कमाना पड़ेगा, एंड अनलाइक अस जो 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं, देयर प्लेइंग करियर इज ओनली फॉर 7 to 8 years, अगर आप उनके पैसा ना दो, व्हाट वेयर विल दे गो। फायर फ्रॉम नगाउन आसाम ब्रो, थैंक यू ब्रो कमिंग फ्रॉम आसाम, थैंक यू भाई, लव यू। जेएफसी फॉरेन साइड स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंडियन साइड एकदम फालतू है, भाई ये एक ट्रांसफर विंडो में तो नहीं खत्म होने वाला, 2 या 3 ट्रांसफर विंडोज लगेंगे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर। लव भाई सोनू, लव 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 भाई। एनएफसी का मेन प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से, मिडफील्ड में कमी है नॉर्थ ईस्ट के, डिफेंस देखो डिफेंस ठीक ठाक ही है, नॉर्थ ईस्ट की डिफेंस इज वेरी यंग, दे विल नीड एन इंडियन फॉर गुड सेंटर बैक, बट वो आपको जनवरी के ट्रांसफर विंडो में मिलेगा नहीं, और चिंगलिंग सेना के फाइट में आपके पास उतना पैसा नहीं कि आप जाओ, सो दिस इज वन बिग इशू, आपके पास पैसे की थोड़ी कमी है, एंड दूसरा मिडफील्ड में अच्छे इंडियन मिडफील्डर की कमी थोड़ी है भाई। मुंबई एंड मोहन बगान अंडर एस्टिमेट बिकॉज ऑफ चेंज इन कोच ड्यूरिंग मिड सीजन, इट्स नेवर इजी आफ्टर दैट, वुड ऑल्सो मेंशन दैट इट्स अ फेयर चांस फॉर केबीएफसी, दे आर द किंग्स इन बोटली। केबीएफसी के पास अच्छा मौका है, बट आफ्टर लूजिंग एड्रियन लूना उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का लग चुका है रचित, दैट्स द ट्रूथ, दैट्स व्हाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी ईस्ट बंगाल दिस टू विल बी फाइटिंग फॉर द सिक्स्थ स्पॉट, मैं अभी लिख देता हूँ, क्योंकि ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट 6th स्पॉट के लिए फाइट करेगी। मुंबई मोहन बगान मैं अभी लिख देता हूँ, अभी भी बोलता हूँ पेटर केट की
और उनके जो कोच है मोहन बगान के आंतोनियो लोपेज हबास, दोनों को ही ठीक ठाक टाइम मिला है। देखो हबास को सेटलिंग टाइम नहीं लगेगा, ही इज द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ दिस टीम एंड एज फॉर पीटर केटकी, उनको एक अच्छा टूर्नामेंट मिल चुका है ऑलरेडी विद द यंग प्लेयर्स एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो मुझे अभी भी लगता है दे विल कम बैक इन द फाइट। और फाइनली ओरिसा मोहन बगान गोवा और मुंबई के बीच में नेक टू नेक फाइट होगा फॉर द शील्ड भाई। आई एब्सोल्युटली बिलीव दिस भाई। आइदर एलसीनियो अगर सीडीएम खेलता है तो जेएफसी और भी डेंजरस हो जाएगा। एक सीबी खरीद ले भाई, जमशेदपुर वाले खरीद ले एक सीबी, और नॉर्थ ईस्ट वाले एक मिडफील्डर खरीद ले। दिस टू टीम्स आर सो गुड बट दे वोंट डू दिस थिंग्स, दे वोंट डू द बेसिक्स ब्रो। इट्स नॉट प्रज्ञा, इट्स प्रग भाई। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती है सो आई एम सॉरी भाई प्रज्ञा, सो थैंक यू। अगला सीजन अनवर अली गोवा में आ जाएगा, वो लोन डील में गया था। नहीं, गोवा में नहीं। अनवर अली का लोन डील किस क्लब से है? अनवर अली का लोन डील है मिनरवा से, बेसिकली दिल्ली एफसी। दिल्ली एफसी उनका लोन क्लब है, रंजीत बजाज सर के अंडर में वो खेलते हैं और वहां से वो लोन में आए हैं विद एन ऑप्शन टू बाय, जितना मुझे पता है। सो ही विल मोस्ट प्रोबेबली आइदर दे विल बाय हिम और आइदर ही विल गो टू दिल्ली एफसी, यही सच है। कैमाविंगा का बात किया, वर्सेटाइल वाला, यस भाई कैमाविंगा भी अच्छा है, अच्छा प्लेयर है कैमाविंगा, चुआमेनी सभी अच्छे है। I'm not a Madrid fan, but again I respect them. How are you? I am very fine. आप कैसे हो? And all those things. पुजारी कहाँ जाएगा? East Bengal जाएगा भाई। India lose 3 match in AFC Cup. Shobik, I totally agree with you. March में IPL start हो रहा है, Asian Cup, because ISL जल्दी start करना है। क्या पता भाई क्या हो रहा है इंडियन टीम के बारे में, जितना कम बात करो उतना ही अच्छा है भाई। गिव रिप्ले, किस बात का रिप्ले भाई, किस मैच का रिप्ले? आमरी एंड एलन दोनों को बहुत इंजरी प्रॉब्लम्स होता है, इससे अच्छा दोनों को रिप्लेस कर देना चाहिए। देखो भाई एलन को और आमरी दोनों तो मुझे लगता था कि जाने वाले हैं, बट बोथ ऑफ देम हैव स्टेड। नेक्स्ट 7 दिन सब टीम्स, सारे ही टीम्स चुपचाप बैठो। नेक्स्ट 7 दिन में बहुत सारे ट्रांसफर्स होंगे, देयर विल बी टर्न टू टॉक, और मैं सारे ही आपके लिए कवर करूंगा, बट एज ऑफ राइट नाउ देखना पड़ेगा ब्रो। तोंदम्बा और सामते फॉर मी, आई वी अंडरस्टैंडिंग ओएन कॉल नेक्स्ट सीजन अच्छा फुटबॉल खेलेंगे विद चेन्नई, अगर चेन्नई की मैनेजमेंट का दिमाग नहीं खराब होता, अगर वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट की तरह थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के नेक्स्ट सीजन तक उनको लग ले ओएन कॉल को, ओएन कॉल विल प्ले अ वेरी वेरी गुड रोल। ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द चेन्नई, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है एवरेज और बिलो एवरेज प्लेयर से अच्छा फुटबॉल निकालने का। सो रचित, आई ट्रूली बिलीव कि ओएन कॉल नेक्स्ट सीजन अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट इस सीजन फॉर चेन्नई हैजंट बीन दैट गुड भाई। मुंबई एफसी अपसेटिंग ओडिशा टुमारो, हो सकता है भाई, पीटर केटकी इज अ ग्रेट कोच, बट अगेन भाई ओडिशा के अटैक को रोकना पड़ेगा। ओडिशा ऐसी टीम है, आप ओडिशा को 2 गोल मार दोगे बट ओडिशा आपको 4 गोल मार देगी। सो दिस इज द थिंग, अगर मुंबई की डिफेंस कल ठीक ठाक से खेल पाती है, why not, there is no reason, और फाइनल में जाके तो मुंबई के सारे प्लेयर्स लौट आएंगे। नवरे महेश अवेलेबल होंगे, और अगर मुंबई फाइनल में जाती तो मुंबई के 6 प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। सो फॉर मुंबई कल एक दिन होगा जहां पे यू विल हैव टू ग्रेट आउट द रिजल्ट। व्हाट यू से मैकार्टन एज अ सेंटर बैक, क्यों भाई, एक अच्छा बंदा खेल रहा है मिडफील्ड में, रहने दो। सीरियसली ईस्ट बंगाल जाएगा पुजारी? यस, दे आर लिंक विद पुजारी, और पुजारी के देखो भाई ये लीड कर रहा है, बट बाकी कोई क्लब आके उसको ले सकता है। डू एनएफसी उसमें रीगन सिंह को खरीद लेता, खरीदेगा क्या किसी को पता नहीं। थॉमस ज्यूरिच का मार्केट वैल्यू इतना लो क्यों है? कि क्योंकि भाई उसने लास्ट 6 महीने से फुटबॉल नहीं खेला, आफ्टर 6 मंथ ही इज गेटिंग फुटबॉल, सो दैट्स व्हाई हिज मार्केट वैल्यू स्लो क्लोज एंड इज 30 years old। उसका मार्केट वैल्यू कैसे हाई होगा भाई? बीपी सुहेर जेएफसी में आ रहा है या नहीं? देखो भाई जितना तो सारे बड़े रिपोर्ट्स ने कर दिया कि भाई सुहेर जेएफसी में आ चुका है, शायद अनाउंसमेंट बाद में होगा समथिंग लाइक दैट, बट अगेन भाई विनर ऑफ मुंबई वर्सेस ओडिशा विल इवेंचुअली विन सुपर कप। बट एक 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 टैगलाइन है, अगर मुंबई के सारे प्लेयर्स फाइनल में लौट आते हैं देन ओनली मुंबई विल विन द फाइनल। बट मुंबई अगर यंग साइड के लेके जाती है, ये ईस्ट बंगाल साइड बहुत डेंजरस साइड है, एंड आई एम सेइंग दिस अ मोहन बगान फैन, मैं जानता हूँ यू नो हाउ मच आई डिसलाइक देम, बट उनके पास वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। यंग मुंबई विल नॉट बीट ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल ग्राइंड आउट कर लेंगे रिजल्ट। बट अगर 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 मुंबई के 6 प्लेयर्स लौट आते हैं फाइनल में, दे विल गिव अ गुड चैलेंज एंड दे शुड बी द फेवरेट्स। एंड एज फॉर ओडिशा, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरा पैसा तो ओडिशा के ऊपर ही लगा है, ओडिशा विल बीट मुंबई इन द सेमीफाइनल मुझे लगता है, एंड दे विल बीट ईस्ट बंगाल इन द फाइनल, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। दे आर लिटरली द मोस्ट कंप्लीट टीम इन द लीग राइट नाउ, एंड दे विल बी द टीम टू बीट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन एज वेल, विदाउट अ डाउट।
सना कब आएगा ईस्ट बंगाल में? देवजीत ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सना के लिए तो सिर्फ ईस्ट बंगाल नहीं, ईस्ट बंगाल एक अननोन क्लब, चेन्नई हो नॉर्थ ईस्ट हो, मैं नहीं जानता हु इज द अननोन क्लब, ईस्ट बंगाल एक अननोन क्लब, बेंगलुरु एफसी, मोहन बगान, चारों के चारों फाइट में है। सो लेकिन आज के मैच में बीपी सुवेर ईस्ट बंगाल की तरफ से खेला, मतलब वो जेएफसी में नहीं आया है। भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा बोलना मुश्किल है। रिपोर्ट तो यही आया कि भाई जेएफसी के साथ उनका ऑलमोस्ट डील कंप्लीट हो चुका है, मे बी सीजन के बीच में आप नहीं करोगे, आफ्टर द सीजन, आफ्टर द टूर्नामेंट सेंस मे बी देयर विल बी ट्रांसफर इन द लास्ट फ्यू डेज। भाई लगाने के लिए पैसा कहां से आएगा आपके पास, आया आपके पास की भाई लगाने के लिए पैसा कहां से आया आपके पास? मुझे लगता है आपके 50% स्ट्राइकर नहीं भाई, बहुत सारे हैं, मोहन बगान से है, नॉर्थ ईस्ट से है, गोवा से है, सभी जगह से सब्सक्राइबर्स है भाई, थैंक यू। भाई लगाने के लिए पैसा कहां से आया ये एक चीज है भाई, कौन से टीम के बारे में बात कर रहे हो रचित, ये पूरा तो लिखो कैसे समझू। तो ईस्ट बंगाल बिल्कुल लव यू, ओ हो टीम पैसा, भाई भाई बातें की बात कर रहे हो भाई, मेरे औकात ड्रीम इलेवन खेलने की है, पैसा कहां से लगाऊ। अरे भाई थैंक यू रचित, यू आर अ मुंबई सिटी एफसी फैन फ्रॉम छत्तीसगढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सवाल कुछ पूछ रहा था बट मुझे समझ में आ गया व्हाट यू आर टेलिंग, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने ओडिशा के ऊपर पैसा लगाया है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में भाई मेरे पास कैसे है भाई, मेरे पास ड्रीम इलेवन खेलने के पैसा नहीं आ रहा, सो हाउ विल आई गेट द मनी फॉर डूइंग ऑल द अदर थिंग्स। बट एज ऑफ राइट नाउ जो भी हो गाइस, बहुत ज्यादा थैंक यू आज के शो में आने के लिए, अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कल रात को 10:45 को फिर से आ जाऊंगा विद द वीडियो, सो गाइस टाटा। And also Parthiv is coming, so guys thank you, thank you, thank you। चलो end कर देता हूँ आज का वीडियो, बहुत थक गया हूँ भाई।